जादुई पिचकारी। केशवपुर नामक एक गांव में एक बाबा अचानक से प्रकट होते हैं। वह बाबा इस गांव में यह देखने के लिए प्रकट होते हैं कि यहां पे कितने लोग ईमानदार और दयालु हैं। तभी एक दिन भिक्षाम देही, बच्चे घर पे कोई है? बाबा दो दिनों से भूखा है, कुछ खाने को मिलेगा? अरे परेशान हो गई हूँ मैं, रोज रोज पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। बेटा जब बोल दे घर में कोई नहीं है। बाबा घर में कोई नहीं है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। पहले घर में बाबा को कुछ नहीं मिलता है। ये बाबा कोई मामूली बाबा नहीं है। घर के अंदर क्या बातें हो रही हैं? ये सारी बातें बाबा को सुनाई और दिखाई दे रही थी। अब बाबा दूसरे घर में जाते हैं। भिक्षाम देही, बच्चे घर पे कोई है? बाबा दो दिनों से भूखा है, कुछ खाने को मिलेगा? इतना कहते ही अंदर से एक व्यक्ति निकलता है। क्या है? बच्चे दो दिनों से मैं भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हें सारी खुशियाँ देगा। अरे बाबा हाथ पैर सलामत है ना, चलो जाओ यहाँ से। मुफ्त में खाने की आदत हो गई है, ना जाने कहाँ कहाँ से चले आते हैं। इतना कहकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। अब बाबा अगले घर की ओर निकलते हैं। भिक्षाम देही, बच्चे घर पे कोई है? बाबा दो दिनों से भूखा है, कुछ खाने को मिलेगा? इतना कहते ही अंदर से एक व्यक्ति निकलता है। बाबा मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास ये चने और गुड़ हैं, ये आप खा लीजिए। धन्यवाद किशन बेटा। बाबा आपको मेरा नाम कैसे पता? किशन बेटा मैं एक साधु महात्मा हूँ, मैं इस गांव में ये देखने आया था कि यहाँ पे कितने लोग ईमानदार और दयालु हैं। बेटा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, ये लो। बेटा ये एक जादुई पिचकारी है, इस जादुई पिचकारी से तुम अपनी कोई 3 इच्छाएं पूरी कर सकते हो। और हाँ ये बात याद रखना कि इस जादुई पिचकारी के बारे में किसी 3 व्यक्ति को पता नहीं चलने चाहिए। यदि एक एक कर किसी भी 3 व्यक्ति को इस जादुई पिचकारी के बारे में पता चलती है तो फिर ये जादुई पिचकारी एक आम पिचकारी बन जाएगी। इतना कहकर वो साधु बाबा वहां से गायब हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद, अरे वाह, लगता है भगवान ने मेरे लिए फरिश्ता भेजा है। वाह भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जादुई पिचकारी पाकर किशन बहुत खुश होता है। अब सबसे पहले क्या मांगू? हाँ एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं अपने लिए एक अच्छा सा घर मांगता हूँ। टूटा फूटा घर होने के कारण किशन सबसे पहले अपने लिए एक अच्छा सा घर मांगता है। अरे वाह ये तो सच में जादुई पिचकारी निकली। अरे मजा आ गया होय होय, मेरे तो निकल पड़ी। भगवान की जय हो। अब अगली सुबह। हाँ भाई किशन, ये रातों रात तुम्हारा घर कैसे चमक गया भाई? सच सच बताना, कोई लॉटरी वॉटरी तो नहीं लगी है ना? अरे नहीं काशी बाबुआ, ऐसा कछु नहीं है, सब भगवान की कृपा है। ठीक है, तरक्की करो जीवन में, और क्या बोलूं। थोड़ी देर बाद, अरे काशी सोचने वाली बात है रे, रातों रात इतनी जल्दी कोई कैसे मकान बना सकता है? अरे यार तू दूसरों पर कम ध्यान दिया कर, पहले खुद को तो देख ले। ये है किशन के पड़ोसी काशी और हरिया। चलो घर तो आ गया, अब क्या मांगू? किशन बाबुआ कुछ ऐसा मांगना होगा जिससे अपनी गरीबी दूर हो जाए।
थोड़ी देर सोचने के बाद किशन के मन में एक विचार आता है। हाँ, एक काम करता हूँ, गांव के चौराहे पे एक दुकान मांग लेता हूँ। वहाँ पे मैं तरह तरह के सामान बेचूंगा। वैसे भी होली आने वाली है, क्यों ना मैं होली का ही सामान बेचूं। किशन जादुई पिचकारी से अपनी दूसरी इच्छा मांगने ही वाला होता है, तभी वह रुक जाता है और सोचता है, अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ, दिन के वक्त जादू हुआ तो सबको पता चल जाएगा। दिन में सबको ना पता चल जाए, इसके डर से किशन रात में अपनी दूसरी इच्छा उस जादुई पिचकारी से मांगता है। अगली सुबह, हाँ भैया जी, क्या लेंगे बोलिए, रंग गुलाल या फिर पिचकारी? आइए भैया, आइए आइए। अरे वाह भाई किशन, कल घर और आज दुकान भी खोल लिए, आखिर बात क्या है? हाँ कुछ ना कुछ तो करना होगा ना, ऐसे कब तक घर में बैठे रहेंगे। हाँ भाई किशन, ठीक कह रहे हो तुम, चलो ये सब छोड़ो, अब दो पिचकारियाँ दे दो। ठीक है किशन भाई, निकलता हूँ मैं। हाँ हाँ ठीक है। अरे काशी भाई, पहले तो मुझे सिर्फ शक था, लेकिन अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि ये किशन कुछ तो झोल कर रहा है। अरे यार क्या बोलूं तुझे। अच्छा ये बताओ, तू उसे इतना जल क्यों रहा है? अरे मैं जल नहीं रहा हूँ यार, तुम बात समझ नहीं रहे हो। अब हरिया के मन में यही सब चलने लगा कि आखिरकार किशन के पास अचानक इतना सब कहाँ से आया। किशन बेटा, तेरा पर्दाफाश तो मैं करके रहूंगा। अब हरिया दिन रात किशन की जासूसी करने लगा। कुछ दिन बीत गए पर फिर भी हरिया को किशन के बारे में कुछ नहीं पता चला। अब होली नजदीक आने वाली थी। चलो अब इतना माल और बचा है, अब दो ही दिन होली के बचे हुए हैं, दो दिन में इसे भी बेच के निकाल दूंगा। एक दिन किशन दुकान जा रहा होता है, तभी किशन से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। किशन उस जादुई पिचकारी को अपनी दुकान की पिचकारियों में गलती से मिला देता है। अरे पिचकारी ले लो पिचकारी, अरे रंग बिरंगी पिचकारियां ले लो, अरे रंग बिरंगी रंगे ले लो, अरे आज न छोड़ेंगे, अरे आज न छोड़ेंगे, खेलेंगे हम होली, अरे भैया होली है, बोलो सारा रारा। किशन पिचकारियां और रंग बेच ही रहा होता है, तभी वहां पर हरिया आता है। क्या भाई किशन, धंधा कैसा चल रहा है? एकदम बढ़िया भाई, भगवान की कृपा से सब बढ़िया चल रहा है। और भाई हरिया, बच्चों के लिए पिचकारियां ले जाओ। हाँ हाँ यही तो लेने आया था। किशन हरिया को अनजाने में वही जादुई पिचकारी उसे बेच देता है। पिचकारी लेकर किशन अपने घर चला जाता है। कितनी गर्मी है यार, एक गिलास लस्सी मिल जाती तो मजा आ जाता। इतना बोलते ही हरिया के सामने एक गिलास लस्सी जादू से आ जाती है। हाँ? ये लस्सी अचानक कहाँ से प्रकट हो गई? पहले तो हरिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर में हरिया समझ गया कि ये सब इस जादुई पिचकारी का कमाल है। अच्छा तो किशन बेटा, तेरी किस्मत इस जादुई पिचकारी से चमकी है, रुक जा, अब मेरी भी किस्मत बहुत जल्द चमकने वाली है। हरिया को जादुई पिचकारी के बारे में पता चलते ही वह खुश होकर इसके बारे में अपनी पत्नी को बता देता है। अरे कविता, अरे कविता, अरे सुनो तो, ये देखो हमें क्या मिला है। जी ये तो पिचकारी है, पिचकारी देखकर आप बच्चों जैसे क्यों खुश हो रहे हैं? अरे कविता, ये कोई मामूली पिचकारी नहीं है, ये एक जादुई पिचकारी है। हरिया ये सब अपनी पत्नी को बता ही रहा होता है, तभी वहाँ हरिया का बेटा आ जाता है और फिर क्या, जादुई पिचकारी के बारे में उसके बेटों को भी पता चल जाता है। दो व्यक्ति को इस जादुई पिचकारी के बारे में पता चलते ही ये जादुई पिचकारी एक साधारण पिचकारी बन जाती है।
फिर लाख कोशिश करने पर भी हरिया को उस पिचकारी से कुछ नहीं मिलता। इधर होली आते ही किशन धूमधाम से होली खेल अपना जीवन यापन करने लगा। दोस्तों, वंडर टून्स की नई नई मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें।